तो अभी बारिश आ चुकी है, तो अभी आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो अभी जितना ही व्लॉग आएगा इतना एंजॉय करो आप लोग। अगर बारिश कम हो गई तो आपके लिए व्लॉगिंग कर लेंगे। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। हाँ, हाय, हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केपी मोटर व्लॉग। तो हम अभी जा रहे हैं गल्टेश्वर। हमारे साथ एक एक्टिवा और एक ड्यूक है। अभी आज सनराइज पे निकल रहे हैं गल्टेश्वर के लिए हम लोग। इधर रोड बहुत खराब हो चुका है, नगर पालिका को बुलाओ, गड्ढा बड्ढा पुरवाओ। अभी लोग वो लोग गाड़ी में फुल भी करवाने वाले हैं, हमारी टंकी में फुल है। आज बारिश नहीं गिरनी चाहिए, वरना बारिश तो गिर गई तो फिर पूरा भिगना पड़ेगा, क्योंकि रेनकोट भी नहीं लाए और छतरी भी नहीं लाए। वो लोग बहुत पीछे रह गए, अभी आ जाएंगे सर। तो गाइस अभी पेट्रोल फिल करवा लिया है और हम निकल रहे हैं गल्टेश्वर के लिए। तो सामने हमारी जा रही है वाइट ब्यूटी। छोटे, ये किस किस स्पीड पे भगाने वाली मशीन है? 21 किस किस स्पीड पे भगाने वाली मशीन है? तो अभी हम मुरी पैलेस पे आ चुके हैं। ये पूरा मुरी पैलेस है, ये है बारोली रेलवे स्टेशन। इधर आज का बहुत ट्रैफिक है, वरना इतना तो ट्रैफिक नहीं होता इधर। और ट्रैफिक में जो गाड़ी भगाने का मजा आता है ना, वो किसी चीज़ में नहीं आता। ट्रैफिक में जो गाड़ी भगाने का फील है ना, वो कुछ अलग ही फील है। और वही मोपेड के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। मोपेड में ना ही गियर चेंज करने की दिक्कत, ना ही कुछ, गड्ढा ही दस्त। जैसे आपने मेरे अगले वाले ब्लॉग में भी देखा ही होगा, ये बारोली शुगर फैक्ट्री है। तो हमें अब इधर से जाना है राइट में, क्योंकि गल्टेश्वर जाना है ब्रो। हम उधर से भी आ सकते थे, मगर उधर रास्ता बहुत खराब है, इसलिए इधर से जा रहे हैं। उधर रास्ता कीचड़ वाला हो चुका है। कुछ ड्यूक में चैनी ऑयल वॉयल करवाना है तो वो करवा लेते हैं। ऑयलिंग करवाना है हमारे लखन ऑयल, हमारे ही लखन। तो अभी ड्यूक की पूरी चैन ड्राई हो चुकी है, तो उसको लुक करवाने वाले हैं इधर। क्या बोले छोटे? अरे बर्नआउट मार, बर्नआउट एट ऑयल राखी दे है। तो अभी ड्यूक में बर्नआउट लगने वाला है गाइस। तो गाइस अभी ड्यूक पे बर्नआउट लगने वाला है, तो देखिए आप ड्यूक में अभी बर्नआउट लगेगा ब्रो, बर्नआउट मार। अच्छा हेरोड ना फ्राई लाख लिया थे। चल कर चल, नॉन थोड़ी देर।
मैनेज कर ही लेने के। तो अभी कैन में ऑयल डाल रहे हैं। मैकेनिक को नहीं बुलाते और खुद ही काम कर रहे हैं इधर। ये तो पूरा काला हो गया। ये देख काला काला सा। तो अभी जो की चैन में ऑयल डाल दिया है, ऑयलिंग वाइलिंग हो चुका है, अब निकल रहे इधर से। ब्रो लोग विली दिखाओ क्या विली? तो अभी एक छोटी सी विली मारी है, चल। अभी सिंगल सीट में छोटी सी विली मारी है, आपने लोगों ने देखी होगी। तो अगर बगल से भाई अभी रिकॉर्ड करने वाला नहीं था तो विली रिकॉर्ड तो नहीं हुई है, मगर अभी अभी आपके भाई ने एक विली मारी है। रिएक्शन चेक करो गाइस, रिएक्शन। और वो लोग आगे जा रहा है और हम उनके पीछे पीछे जाएंगे। उनके पास 200 सीसी, हमारे पास 110 सीसी। ये 90 लग जाती है, 140 लग जाती है, तो बहुत डिफरेंट है दोनों में। अभी तो डूब गिर रही है, पता नहीं कब बारिश वाला मौसम हो जाएगा। नहीं जाएगा इधर चुका है। अभी गाना बजाएगा इसमें, तो आप देख सकते हैं सर स्पीकर में। तो अभी सवाल पहुंच चुके हैं गाइस, और सवाल सीधा जाना है, सीधा मैं आपको आ रहा है। और सवाल सर जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे अभी वाटरफॉल भी है, वहां पे अभी वाटरफॉल भी है। अरे इतना हो चुकी तो नए नए वगैरह जब मजा आ गया है। तो अभी गाइस प्लान चेंज हो चुका है, पहले कलकत्ता से जाएंगे, कलकत्ता से वापस से वाकेटा जाएंगे। और वाकेटा भी आपको बहुत बहुत अच्छा नेचर से, तो आपको देखने में मजा आएगा। तो हम पहले आप कलकत्ता से जाएंगे, कलकत्ता रोड जाके बाद में रिटर्न में वापस वाकेटा भी जाएंगे। तो आज पूरा दिन घूमेंगे, पूरा दिन घूमते रहेंगे, क्योंकि आज संडे और संडे को मंडे बोलते हैं। नया माइक
गई होगी इधर, इसलिए पूरा पानी पानी हो चुका है। आगे जाके बारिश नहीं होना चाहिए वरना पूरा भीगेंगे, बहुत गंदा भीगेंगे। क्योंकि इधर अभी बारिश नहीं है, मौसम भी खुल चुका है तो चांस तो नहीं है बारिश होने के, और अगर हो गई बारिश तो फिर थोड़ा अधूरा रह जाएगा। अभी उसका बड़ा बारिश हो रहा है, मौसम दिख रहा है, मगर होनी नहीं चाहिए बारिश। टायर भी चेंज करवाना है, आगे का भी चेंज करवाना है, पीछे का भी चेंज करवाना है। तो अभी वेदर चेक करो आप, बारिश ना हो तो अच्छा है, वरना बारिश हो गया तो काम तमाम में एक ही दिन छाला लाया, तीनों के दिन ऐसे आए, एक ही दिन छाला लेके आया इधर। तो अभी इधर बारिश होने वाला मौसम हो चुका है, छींटे भी गिर रहे हैं बारिश के, यार बारिश होने लग गई है। अभी बारिश नहीं होता तो अच्छा रहता है, साला बारिश होने लग गया तो इधर खड़ा रहना पड़ेगा। मैंने ऐसा बोला था कि बारिश नहीं होना चाहिए, फिर भी बारिश होने लग गया तो इधर खड़े रहते थोड़ी देर, बारिश कम हो जाए तो निकलते इधर से। ये देख रहे हो गाइस, चेक करो चेक करो। तो रहा है बहुत जोर से, नहीं होना था मगर हो चुका, तो हम भी क्या करें। और रेनकोट लेके आने वाले थे वो भी नहीं लेके आए हैं। तो अभी बारिश आ चुकी है तो अभी आगे का व्लॉग हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, तो अभी जितना ही व्लॉग आएगा इतने एंजॉय करो आप लोग, अगर बारिश कम हो गई तो आपके लिए व्लॉगिंग कर लेंगे। तो गाइस हम अभी गलतेश्वर पहुंच चुके हैं, गलतेश्वर इधर से एक टर्न मारने पड़े, तो पिछले बारिश बहुत हो चुका था इसलिए हम व्लॉगिंग नहीं कर पाए। अगर बारिश नहीं होता तो पक्का व्लॉगिंग आता है, मगर बीच में इतना बारिश था हमको वहीं पे आधा घंटा रुकना पड़ा। तो अभी बहुत भीड़ होगी, बारिश का समय फिर भी बहुत भीड़ होगी वहाँ पर, देखते हैं वहाँ जाकर व्लॉगिंग करने देते कि नहीं करने देते। वैसे मोस्ट ऑफ लोग व्लॉगिंग करने ही देते हैं, मगर कुछ सीन वगैरह नहीं भी करने देंगे, तो जाके देखते हैं वहाँ पर। तो ये गलतेश्वर मंदिर का गेट है, तो इधर व्हीकल पार्क करके निकलते हैं, आपको अंदर मंदिर में जाके भी दिखाएंगे। है तो ये है गलतेश्वर का मुख्य द्वार, और ये छपरे लोग हमारे साथ चलते हुए बाजू बाजू में, हम आगे जा रहे हैं सब लोग पीछे चलो। तो देख लो गाइस अभी महादेव को